और ये है इटावा का मशहूर खीर मोहन, मेरे मोहन प्यारे। और इसकी शक्ल देखो कितनी खूबसूरत है, लेकिन खा के देखते हैं कैसा है। मैंने खीर मोहन पहले कभी खाया नहीं है, आप खाइए। वाह, अभी कम अच्छा है, ठंडा होने पर अच्छा लगेगा खाने में। कम अच्छा नहीं है साहब, ये तो बहुत अच्छा है। ये मेरी बात है ना, जब कम ठंडा होने और अच्छा लगता है खाने में। इटावा के पास उदी मोड़ पे आप सबका स्वागत है। देखिए जी, आए तो हम थे यहाँ पर मान सिंह जी के प्रसिद्ध मंगोड़े खाने, जो कि 50 साल पहले से मंगोड़े बनाते हैं यहाँ पर। कहते हैं कि उनके अब बेटे के बेटे बनाते हैं मंगोड़े, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ मिला केला और यहाँ पे कुछ नहीं है आज, क्योंकि इलेक्शन का दिन है भाई। जो राम जी की माया जो हाथ में आए उसे खाओ, खुश रहो, इलेक्शन में जाके वोट ज़रूर डालना, ये आपकी जिम्मेवारी है। वोट जिसे भी डालें, मेरे हिसाब से तो कोई अकलमंद पढ़ा लिखा अच्छा आदमी हो या लेडी हो, जो भला करे देश का डिस्ट्रिक्ट का, उनको वोट दें, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन इलेक्शन के दिन पे इटावा में आके मुंगोड़े ना ढूंढें, क्योंकि मिलना आपको सिर्फ केला ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं मिलेगा। पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाई साहब, क्योंकि खाना तो है ही, तो चलते हैं इटावा, देखते हैं और कुछ मिलता है तो वहाँ रुक के खा लेंगे, नहीं मिलता तो कहीं बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे जब तक तो कुछ मिले ना। ओके, और ये है इटावा का मशहूर खीर मोहन, मेरे मोहन प्यारे। और इसकी शक्ल देखो कितनी खूबसूरत है, यानी कि रसगुल्ला भी लग रहा है थोड़ा सा, गुलाब जामुन भी लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ हैं अजीत पाल सिंह जी। कैसे हैं आप? बड़े हैं। तो आपका नाम बड़े है, यहाँ पे बड़े बुलाते हैं आपको सर। ठीक है, तो बड़े जी जो हैं, इनकी दुकान है, कब से चल रही है दुकान साहब? सर चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। चौथी पीढ़ी जी, तो अब कितने साल हो गए कुछ याद है? या मतलब 90 साल से ऊपर हो गए हैं। 90 साल से ऊपर, क्या ये हमारे बाबा हैं, ये हमारे परबाबा हैं, पिताजी हमारे खेत पर अभी खेत पर हैं हमारे। अच्छा जी, क्या बात है। तो चौथी पीढ़ी खीर मोहन बनाते हुए, खीर मोहन होता क्या है, किस चीज से बनता है, कैसे बनता है? दूध फाड़ के बनता है। दूध फाड़ के? जी हाँ। अच्छा, तो दूध में कुछ आपने मिलाया और दूध फट गया? दूध फट गया, उसको मैश करते हैं। क्या बात है, सिंपल बता रहे हैं, लेकिन इतना सिंपल है नहीं, लेकिन खा के देखते हैं कैसा है। मैंने खीर मोहन पहले कभी खाया नहीं है, आप खाइए। वाह, अभी कम अच्छा है, ठंडा होने पर और अच्छा लगेगा खाने में। कम अच्छा नहीं है साहब, ये तो बहुत अच्छा है। ये मेरी बात है ना, जब कम ठंडा होने और अच्छा लगता है खाने में। यानी एक चुईनेस है इसके अंदर, खोया नहीं है, फटे हुए दूध का है। तो एक जो फर्मेंटेशन होती है, जो स्लाइट टेस्ट ऑफ फर्मेंटेशन होता है दूध का, वो है इसके अंदर। एक ब्यूटीफुल टेस्ट है, एक बड़ी जेंटल चुईनेस है, और हर बाइट में चाशनी फूट कर निकलती है। जब इटावा आए, खीर मोहन ज़रूर ट्राई करें। बड़े जी के यहाँ पे आइए, लल्लू दूध भंडार पे। सही कहा, यही एक जगह है जहाँ से आपको खीर मोहन लेना चाहिए। और आधा पौना घंटा लगता है इसको बनने में, लड्डू बनने के बाद। तो इसका तरीका है, फटे हुए दूध को इकट्ठा किया, उसके लड्डू बनाए, लड्डुओं को फिर डाला चाशनी में, फिर पकाया करीब आधा घंटा, 45 मिनट तक। एक घंटा पूरा, एक से सवा घंटा। और फिर इसकी निकली मिठास और इसका निकला ये टेक्सचर बहुत ही कमाल है। रसगुल्ले जैसा नहीं है टेक्सचर, पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं। मेरे ख्याल अगर 10-12 खाएंगे तो शायद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। आप कितने खाते हैं दिन में? मैं डेली खाता हूँ 15-20। 15-20, अभी इनका नाम बड़े हैं, हम तो छोटे हो गए फिर बड़े। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।